नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, देखिए, यह कनेर का पौधा आता है। यह बेहद ही शुभ पौधा होता है और इसमें सालों भर फ्लावरिंग होता है। तो पौधे का कैसे देखभाल करना है कि मेरे गमले में लगे पौधे में सालों भर फूल खिले, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा फ्री का फर्टिलाइजर यूज करके पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जो कि आपके किचन में रखे आसानी से या फर्टिलाइजर मिल जाएगा और पौधे में आप दीजिए, पौधे में फूल एवं कलियों से पौधा आपका भर जाएगा। वैसे तो यह पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, तो इस पौधे को गमले में लगाकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सालों भर पौधे में फूल खिलते हैं। लेकिन तेज बारिश होने से इस पौधे में कलियां एवं फूल आना बंद हो गई थी। दोस्तों, हमने इस पौधे को सितंबर के महीने में फर्टिलाइजर डाला, जिसके बाद मेरे अक्टूबर के महीने में इस प्लांट्स में फ्लावरिंग बड़ी अच्छी तरह से हो रही है और ब्लूमिंग हो रहा है। महीने में इस पौधे में फूल बहुत खिल रहे हैं और जितने भी प्लांट्स हैं मेरे पास, इन सभी में फ्लावरिंग अच्छी तरह से हो रहा है। यह पौधा का फूल भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। तो इस पौधे को आपको केमिकल युक्त फर्टिलाइजर नहीं देना है, प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए, जिससे आपके प्लांट्स में अच्छी तरह से ग्रोथ हो, कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाए। इस पौधे को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, कनैल, अरेली, कलुआ के नाम से जाना जाता है। यह पौधा औषधीय गुण से भरपूर होता है, इसे आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे को घर में लगाना से बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे यह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखता है। प्रायः हर एक भारतीय घर में आपको पीले कनेर के पौधे नजर आएंगे। इसमें पीला, सफ़ेद, गुलाबी कलर का फूल होता है और देखने में सभी फूल अच्छे से खिलते हैं और गमले में लगाकर आप पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और साल भर में पौधा आपका हरा भरा बड़ा हो जाता है और फूल आते हैं इसमें गुच्छे गुच्छे में और फूल खिलते हैं एवं कलियां आती है। इसलिए आप गमले में लगाई और आसानी से पौधा आपको सालों साल चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होता है और फूल भी खिलते हैं बड़े बड़े आकार में। कनेर के पौधे को आप जब भी लगाएं तो बरसात के सीजन में लगाएं और मिट्टी में आप बर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर, रिवर सेंट, कोकोपीट और नीम खली, इन सभी को मिक्स करके पौधे में लगाइए। अच्छे से लगेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल एवं कलिए से आपका पौधा भर जाएगा। इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती है, फ्लावरिंग करता है और यह गर्मी को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपके प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ाता है और कलियां लाता है और फूल खिलते हैं इसमें बड़े बड़े आकार में। इसलिए इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, जहाँ 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। जितने भी गमले हैं सबके आप मिट्टी को कोड़ाई करते रहें। इस दोस्तों, गमले की मिट्टी की आपको कोड़ाई हर एक 15 दिन में करते रहना है। इससे ये फायदा होगा कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और आप जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा। इसलिए आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें। देखिए दोस्तों, या किचन में रखे सरसों के दाने हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। अगर इसका उपयोग आप अगर पौधे में करते हैं तो पौधे में कलियां एवं फूल लाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, इस सरसों के दाने को आप मिक्सी में पीस कर इसका डस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप पौधे में दीजिए, पौधे में कलियां एवं फूल की बहार आ जाएगा। सरसों का खली आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, तो इसका उपयोग अगर आप पौधे में करते हैं तो जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है उसमें फूल आने लगता है और फूल का आकार बड़ा बड़ा होता इसका है। पौधे में कैसे उपयोग करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके पौधे में 1 चम्मच ले लेना है, गमले की मिट्टी में किनारे किनारे डाल लेना है। दोस्तों देखिए, यह सीविड फर्टिलाइजर है, जो कि समुद्र में रहने वाला समुद्री घास शैवाल से बनता है और प्योर ऑर्गेनिक होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल तत्व
पाए जाते हैं। ऐसा फर्टिलाइजर है कि इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। अगर इसका आप पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो जिस पौधे में फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं आती है, ये फूल और कलियां दोनों लाने में मदद करता है। तो इसका आप तो इसका आपको एक चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको इसी तरह से डाल देना है। दोस्तों देखिए, यह गाय से बना गोबर का खाद है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। तो इसका पौधे में देने से आपको जो कलिया एवं फूल का आकार को बड़ा बड़ा करता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। तो इसका आपको जितने भी प्लांट्स हैं सब में आपको 200 ग्राम लेकर गमले की मिट्टी के साइड में आपको डाल देना है, करीब करीब 200 ग्राम जितने भी प्लांट्स हैं सब में आपको डाल देना है। नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है और एनपीके का काम करता है और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ मिट्टी में लगने वाला फंगस को जड़ से खत्म करता है। तो इसका आपको एक चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको इसी तरह से जितने भी पौधे आप किनारे किनारे में डाल देने से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में आप रख दीजिए, उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल की बहार आ जाएगी। दोस्तों इसमें बरसात के मौसम के कारण पूरे ज़्यादा पानी होने से फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद था, तो हमने सितंबर के महीने में इसमें फर्टिलाइजर दिया। तो सितंबर के लास्ट महीने में देखिए, एक सप्ते के अंतराल के बाद इस पौधे में कलियों बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है। तो जितने भी प्लांट्स है मेरे पीले कनेर एवं गुलाबी कनेर, दोनों कनेर के पौधे में कलियां की भरमार लग गई है, कलियां नज़र आ रही है इस पौधे में। इसके बाद आपके प्लांट्स में फूल ही फूल नज़र आएंगे। देखिए अक्टूबर के शुरू महीने में देखिए मेरे इस कनेर के पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और फूल का आकार भी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो यह मिक्स फर्टिलाइजर का ही कमाल है। तो दोस्तों इस मिक्स फर्टिलाइजर को आप महीने में एक बार पौधे में दीजिए, उसके बाद आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे, क्योंकि गमले में लगे पौधे में आपको पोषक तत्व से भरपूर हर एक महीना फर्टिलाइजर देना पड़ता है, तब जाके इस पौधे में फूल खिलते हैं ज़्यादा संख्या में। दोस्तों इस पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा और जब गमले की मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना होगा। ओवर वाटरिंग एवं गीली मिट्टी में इसमें कलियाँ आती है लेकिन गिर जाती है। तो अगर ये दो कारण को आप जान जाएंगे तो आपके पौधे में कलियाँ गिरेंगे नहीं, फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और महीने में एक बार इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए जिसमें काउ डक है, बर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, सीविट फर्टिलाइजर है और सरसों का खली, क्योंकि बरसात ठंडा का मौसम अब शुरू हो गया। तो इसमें अगर सरसों का खली का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में ब्लूमिंग होता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने कनेर के पौधे में इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए, क्योंकि यह फूल बेहद ही औषधीय गुण से भरपूर होता है और आदिकाल से इसका उपयोग दवा बनाने में और आज भी इसका उपयोग इसकी छड़, तना, फूल, पत्ती से बहुत सारे मेडिसिन बनाया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। इस बेहद शुभ पौधे को आप गमले में लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और सालों भर इसमें फ्लावरिंग होता है। तो बाय बाय, टाटा।